हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज थी ईद, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन सबसे पहले सुबह सुबह कुर्बानी के बाद जो सबसे पहले चीज़ हमारे घर में आती है वो है कलेजी, और फिर हम इसे फटाफट से बना के इसी से हम सारे नाश्ता करते हैं। सो आज सुबह बनाई थी मैंने हरे मसाले की कलेजी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आइए देखें इस मज़ेदार रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे हरा मसाला। उसके लिए मैंने 1.5 कप धनिया की पत्तियाँ उसकी डंठल के साथ, उसके स्टेम के साथ ले ली है। उसके बाद हमने लेना है 1/2 कप पुदीना की पत्तियाँ, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें। आप चाहें तो मिर्चों की मकदार अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/4 कप स्लाइस कीवी अदरक और 1/2 कप लहसुन डालकर हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा पानी डालकर इसे बारीक पीस लें। तो हरा मसाला यहाँ पर रेडी है, इसे साइड में रख लेते हैं। फिर हमने एक पैन में 3/4 कप तेल ले लेना है, और उसमें जो मसाला हमने रेडी करके रखा था वो सारा का सारा डाल देना है। अब मसाले को हमने मीडियम आंच पे बहुत अच्छे से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक जो तेल है वो सेपरेट नहीं हो जाता मसाले से और मसाला थोड़ा सूख भी जाएगा। इसी दौरान हमने इसमें डाल देनी है 3/4 टीस्पून हल्दी। उसके बाद हमने इसे भूनना है, कंटिन्यू करना है भूनना 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है और तेल भी छूट गया है। अब हमने इसमें डाल देना है 700 ग्राम बकरे की कलेजी। इसे साफ करने का तरीका मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब हमने कलेजी को 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आँच पे भूनना है, पकाना है जब तक वो पूरी तरह से टेंडर नहीं हो जाती, पक नहीं जाती। सो 10 से 12 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है 1 कप भर कर बिरिस्ता। अब कलेजी को हमने बिरिस्ता के साथ भी 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है, उसे पकाना है बिरिस्ता के साथ। फिर ऐड कर दें इसमें 1.5 नींबू का रस, फ्रेश नींबू लें, 1 मुट्ठी बारीक कटी हुई धनिया और 3/4 टीस्पून कसूरी मेथी, हमने उसे क्रश करके डालना है। जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। फिर हम इसमें डालेंगे 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हसबे जायका, अगेन मिक्स कर लें। बस मज़ीद हमने इसके मिक्स होने तक ही पकाना है, और फिर हमने हीट को बंद कर लेना है। हीट को बंद करने के बाद हमने इसमें आखिर में 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालना है। चाट मसाला पाउडर को मिलाते ही मज़ेदार तीखी चटपटी कलेजी हरा मसाला रेडी है। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। मैं रीहीटिंग कलेजी के लिए कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी, आप जितना कलेजी को गर्म करेंगे वो सख्त होती जाएगी। तो आखिर में मैंने इसे बारीक कटी हुई धनिया और थोड़े से बिरिस्ता के साथ गार्निश कर लिया है। आप चाहें और तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना डिलिशियस और टेम्पटिंग दिख रही है रेसिपी, बहुत ही जूसी और टेंडर बनकर रेडी हुई थी। तो इस रेसिपी को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। सो आई विल सी यू गाइस अगेन विद अनदर रेसिपी इन अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।